हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शशि और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। प्याज हर किसी के घर में जो है मौजूद होता है और प्याज बहुत लोगों को कच्चा खाना बहुत पसंद होता है, चाहे वो छोले भटूरे के साथ हो या ऐसे सलाद में। प्याज जो है खाने में जितना स्वाद को बढ़ाता है उतना कई गुना ज़्यादा ये हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिट भी है। ये ब्लड प्रेशर को जो है कंट्रोल में रखता है, साथ ही साथ जो है आपके पेट में अगर एसिडिटी, गैस, बदहजमी जैसी चीज़ें, गंदगी आपके पेट में अगर जम गया है और महीनों से जो है आपको पेट से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, तो आज उसी के लिए ये वीडियो है, बहुत ही उपयोगी वीडियो है, तो आप इसे लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा। प्याज के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये हमारी इम्यूनिटी को जो है बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो है बढ़ाता है। इसमें भरपूर मात्रा में जो है फास्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन सी भी जो है इसके अंदर होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर को एक्स्ट्रा जो है पोषक तत्व तो मिलते हैं और बहुत ही हेल्थ बेनिफिट होता है। इसको बनाना बिल्कुल आसान है और किस तरह से इसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको वीडियो में जो है विस्तार से बताती जाऊँगी। प्याज यहाँ पर एक हमने ले लिया, उसको छील लेना है। छीलने के बाद से इसे धो लेना है। और प्याज में एंटी कैंसर जैसे भी गुण पाए जाते हैं, जो शरीर के कैंसर सेल्स को भी जो है कहते हैं कि सिर्फ ख़त्म ही नहीं करता, उसे बढ़ने से भी जो है रोकता है। तो कैंसर जैसे बीमारियों के लिए भी जो है प्याज का बहुत बड़ा योगदान होता है। और इससे जो है ना कहते हैं कि इंस्टेंट एनर्जी भी मिलती है, मतलब ऊर्जा का जो स्तर होता है शरीर का वो भी जो है बढ़ता जाता है। तो इसको जो है हम एक गिलास पानी ले रहे हैं और पानी जो है एक गिलास लेंगे और उसको थोड़ा सा, मतलब आधा से थोड़ा सा अगर ज़्यादा पानी बच जाए उतना हमें इसे बॉईल करना है। सारे कटे हुए प्याज को पानी में हमने डाल दिया। डालने के बाद से जो है इसे मीडियम लो फ्लेम पे हमें अच्छे से पकाना है और पकाने के बाद से जो है इसे अब ढक देना है, ढक के, ताकि इसके जो नेचुरल तत्व हैं उसी के अंदर रहे, पानी के अंदर। तो बस इसे ढक के अभी पकाना है और पकाएंगे तब तक जो है हम इधर एक चीज़ और तैयार करें। अगर बहुत दिनों से आपके पेट में जो है रात को सोते समय आप दांत को किटकिटाते हैं और पेटों में ऐठन होती है, दर्द होती है, तो ये सब अनपच और कभी कभी तो कीड़े की भी समस्याएं हो जाती हैं। ऐसे में जो है अगर आपके पेट में कीड़े हैं या बच्चों के भी अगर पेट में कीड़े हैं वगैरह हैं तो ये दे सकते हैं, कोई इसमें नुकसान नहीं है। टमाटर तो हम वैसे भी सलाद वगैरह के रूप में जो है खाते हैं, इसमें भी भरपूर मात्रा में, ये सिर्फ खाने के लिए नहीं, इवन स्किन को चमकाने के लिए भी टमाटर का हम यूज़ करते हैं। बहुत ही बेनिफिट इसके अंदर है, बहुत सारे गुण हैं, पोषक तत्व तो पाए जाते हैं टमाटर में। यहाँ पर हमने एक पका हुआ टमाटर ले लिया है और टमाटर का जो है हमें प्यूरी बना लेना है। तो ये कीड़े वगैरह अगर पेट में आपको रहते हैं, बहुत दिनों से आपके आंतों की सफाई नहीं है, पेट की सफाई नहीं हुई, तो एक तरह से सोचिए कि पूरे पेट की सफाई के लिए बहुत ही 100% ये काम करने वाला रेमेडी है। तो इसको जो है हमने पीस लेना है और पीस लेने के बाद तब तक जो है हमारा प्याज जो है अच्छे से बॉयल हो चुका होगा और उसे जो है हमें थोड़ा सा कहते हैं कि टेम्परेचर, लो टेम्परेचर में थोड़ा आने देंगे। नॉर्मल टेम्परेचर में जैसे ही आएगा, अभी प्याज को जो है, तो जैसे ही प्याज जो है नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा, उसमें हम जो टमाटर के प्यूरी बना के रखे हैं वो उसके अंदर हम डाल देंगे। डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद से इसे जो है हम एक ग्लास में छान लेंगे। ग्लास में छानने के बाद ही आपको पीना है, क्योंकि इस तरह से आप नहीं पी पाएंगे। और उसके बाद से आप देखेंगे कि बहुत ही बढ़िया ये जो तैयार हुआ है, इसमें टेस्ट कुछ ख़राब नहीं लगेगा, आप बिल्कुल आराम से पी सकते हैं। लेकिन इसे हमें गर्म गर्म नहीं पीना है, मैं जल्दी वीडियो करके दिखा दे रही हूँ, बट इसको जो है गर्म आपको नहीं पीना है। तो आप इसे अब लेना कैसे, पीना कैसे, तो आपको जो है ये सुबह सुबह अगर आप ब्रेकफास्ट के एक घंटा पहले पी ले, या तो फिर रात को खाने के एक घंटा पहले पी ले, या तो फिर आपको याद नहीं रहता है तो खाना खाने के पहले आप इसे पहले पी ले, उसके बाद खाना खाएं, तो इसका यही टाइम है। आप इसे दिन में एक बार आप इसे पीजिए और ज़्यादा नहीं, अगर लगातार एक सप्ताह तक अगर पी लेते हैं तो कहते हैं कि पूरे साल भर की आपकी पेट की साफ़ सफाई जो है हो जाती है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया यूज़फुल रेमेडी है, आप इसे बस करके देखिए, बहुत ही आपको लाभ मिलेगा।
दूसरा एक और कर सकते कि एक गिलास पानी में, हल्का गुनगुना पानी में, आप केस्टर ऑयल जो आता है ना, अरंडी का तेल जो आता है, अरंड भी बोलते हैं उसे, उसका जो है 2 बूंद पानी में मिला ले और उसे भी जो है आप पी सकते हैं सुबह शाम। और उसके पीने से भी जो होता है ना कि पेटों की बिल्कुल जो है आंतें जो है साफ़ हो जाती है, बिल्कुल लीवर किडनी जो है बिल्कुल क्लीन हो जाता है, साफ़ हो जाता है। पेट के जो अंदरूनी भाग में जो हलचल मची हुई रहती है, ऐठन होती है, दर्द होता है, गैस एसिडिटी जैसी चीज़ें जो है अनायास ही अपने आप दर्द हो जाता है। तो ऐसे में आप ये रेमेडी के साथ आप वो भी जो है यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके पेटों की बिल्कुल साफ़ सफाई हो जाएगी। तो बस आज का वीडियो इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को जो है लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा। धन्यवाद।